हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ऊन से बटरफ्लाई बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने दो कलर में ऊन ली है और ये एक हमने तीसरे कलर की अलग से निडल में डाल ली है। ये हमने तीन कलर की ऊन ली थी, ये तीन कलर से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, एक ऊन को लेंगे और दो फिंगर्स के ऊपर इस तरीके से लपेट लेंगे। ये ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं लपेटनी है। इसे यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद में हम दूसरा कलर यूज करेंगे। इस तरीके से हम फिंगर्स को खोल कर रखेंगे ताकि ये दोनों की बराबर शेप आए। इसको भी कट कर लेंगे। अब देखिए हमने इसमें नॉट्स लगा ली है और सबसे पहले ये हमें नीचे से निकालनी है दोनों फिंगर्स के बीच से, और ये इसमें से हमें इस तरीके से नीडल को निकालना है। और इसको हमें टाइट खींचना है इस तरीके से। अब हम इन दोनों सिरों को पहले बांध लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे जो ज़्यादा है। उसके बाद हमें देखिए निडल को बैक तरफ से निकालना है ताकि हाथ में ना चुभ जाए। ये हम नोक की तरफ से ना निकालें। अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे दोनों फिंगर्स से। ये हम बहुत धीरे से निकालेंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए, और ये यहाँ से बीच से पकड़ कर निकालना बहुत ही आसान होगा। देखिए यहाँ से इधर से ये अच्छी आ रही है इसकी शेप, और ये इधर से उल्टी साइड होगी। तो हमने दो पहले भी बनाई हैं और ये इस तरीके से रख लेंगे इसको, और हमें इसको निडल को इसके अंदर से निकालना है। सबसे पहले हम इसे इस पर जॉइंट करेंगे। देखिए हम इसे यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे एक बार। इसे हम यहाँ से निकालेंगे और इस धागे को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और तीन बार इस तरीके से लेंगे। और करीब एक इंच की दूरी पर इसे नीचे की तरफ निकालेंगे। टाइट कर देंगे खींच के इस तरीके से, और फिर से हम सुई को नीचे से नीचे को यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए फिर से हम इसी तरीके से तीन बार इसे ले लेंगे और इसी की सीध में यहाँ पर इसे निकालेंगे, और इस धागे को हमें पकड़ के रखना है।
ये देखिए इस तरीके से बन चुकी है। और इसे नीचे से हम नोट्स लगा के कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे हमने बना दिया है। ये देखिए ये तो अब तक हमने आपको डबल कलर से बताई थी, अब हम एक सिंगल कलर से आपको बताएंगे। इसमें हमारे तीन कलर यूज हुए हैं, उसमें हमारे दो कलर यूज होंगे। तो ये सबसे पहले हमें दो फिंगर्स के ऊपर इस तरीके से लपेटना है। उनको लपेटने का तरीका वही है, फिंगर्स को हम खुली रखेंगे। यहाँ तक और इस धागे को हम कट कर लेंगे और इस धागे को यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने ये निडल में धागा डाल रखा है, उस तरीके से नॉट लगा रखा है इसमें, और इसे हमें इस तरीके से ही करना है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ी अलग होगी हमारी इन सब से। इस तरीके से इसे टाइट खींचेंगे, ये हमें टाइट से खींचकर उसके बाद फिर से इसी तरीके से लेनी है और इसे बार बार इस चीज का ध्यान रखें कि हमें ये नडल को बैक साइड से ही लेना है कि हाथ में ना चुभ जाए। अब इसको भी हम देखिए निकाल लेंगे इसी तरीके से, यहाँ पर इसे सेट करेंगे। यहाँ से हम नीचे की तरफ से लाकर इसे इस तरीके से ले लेंगे। अभी देखिए ये हमने गोल्डन मोती लिए हैं, अब देखिए इनको हमें नीडल के अंदर डालना है। ये इसके ऊपर हम इतने मोती डाल लेंगे ताकि ये कवर हो सके। अब देखिए इसे हम यहाँ नीचे की तरफ निकाल लेंगे, ये बिल्कुल हमें यहाँ ऊन के पास से निकालनी है। देखिए इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पर हम निकालेंगे वापसी। देखिए यहाँ से हमें एक बार इतनी दूरी पर निकालनी है। अब देखिए इसी जगह पर हमें वापस लेनी है और फिर इसमें एक मोती डालेंगे और फिर उसी जगह पर इसे वापस ले लेंगे। और इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर निकाल लेंगे इसको और एक और मोती ले लेंगे। वापस नीचे की तरफ लेंगे और फिर से इस मोती के पास से ही हमें निकालनी है सुई को और यहाँ लाकर नीचे की तरफ नॉट्स लगा लेंगे। अब ये देखिए ये हमारी बटरफ्लाई बनके कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से बनाई है ये हमने आपको बता दिया है, हमने दो तरीके से बना के बताई है आपको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ये किस तरीके से बनाई है, हमने आपको बता दिया है। थैंक यू।